हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी को मेरी ओर से पहली बात तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। आई शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। देखो फ्रेंड्स, एक बात है, परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। एग्ज़ाम कैसे होगा, पहली बार है, डर, कुछ भी नहीं डरो। इससे पहले इंटर का पेपर दिया है ना, जैसे इंटर का पेपर होता है, ग्रेजुएशन का दिया है ना, वैसे सेम यही पेपर होता है। और बहुत परेशान होने की, डरने की कोई, क्योंकि डरने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए अब आप नया कुछ नहीं पढ़ो, एक बात इतना ध्यान हो, नया ना पढ़ो। जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। बस राइटिंग डेली लिखना, राइटिंग पे डेली प्रयास करना कि लिखवाओ, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और टाइम कम रहता है, फिर बच्चे लिख नहीं पाते, पेपर छूट जाता है। कॉपी को फिल करके अच्छे से आना है, ठीक है? बहुत छोटा छोटा भी आंसर लिखने का मत सोचिएगा कि बहुत छोटा छोटा, और बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज से लिखना। जैसा प्रश्न उसी तरह से आंसर करना है, अपने हिसाब से इतना समझ लेना कि हमको इस क्वेश्चन के कितना आंसर लिखना है, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा लिखना है, ना ही बहुत छोटा लिखना है, ठीक है? नहीं तो कहा गया है एक लाइन का है तो आप एक ही लाइन को, उसको दो तीन लाइन बनाना होगा। और आपको फिर अगर तीन लाइन से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, अति लघुतरी वाले, तो वो मैं कॉपी लिखना है कैसे, उसका एक वीडियो में मैं बहुत मतलब ओल्ड है वो शेयर कर दूंगी, या तो नया बना के आपको बताऊंगी। लेकिन परेशान ना हो, भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? चलो अब क्लास करते हैं। टाइम में छोटी छोटी मैं एक टाइम निकाल रही हूँ, जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं लाइव आपके लिए कोशिश करूँगी कि अवेलेबल हो जाऊँ, चीज़ें डिस्कस कर लूँ। इसलिए बीच बीच स्टार्टिंग में आपको 10-2 मिनट भी बातें समझा देती हूँ कि आप ऐसे कर लो तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? चलिए आप जुड़े शानी के साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। अगर बहुत लोग सारे लोग पहली बार यहाँ पर आएंगे, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ये पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल है। कोई डाउट अगर हो रहा था मुझे मेल करके पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है वो जानते हैं। आज मैं शिक्षण अधिगम के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि आपके 1920 के पेपर से मिक्स मैंने लिए हुए। 1920 का पेपर तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ मैंने वहाँ से पेपर लिए हैं कि दोनों के मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँ, काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? और आपके एग्जाम के पेपर से ही प्रश्न है, अदरवाइज अदर से बाहर से कुछ भी नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। किन्हीं दो शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए। आपने पढ़ा है और किया भी हुआ, हर एक चीज़ को देखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है कि किन्हीं दो शिक्षण प्रविधि का नाम आपने पढ़ा है। तो व्याख्यान प्रविधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। मैंने जिसमें दो दिया, मैंने तीन चार ले लिया कि किसी बच्चे को कुछ याद है, किसी को कुछ याद रहे तो आप लिख सकते हो, सिर्फ नाम लिखना है। तो आप इस, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे ये प्रश्न आपके अति लघुतरी में, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे मत लिखना, आप ये लिखना कि शिक्षण प्रविधियों के नाम, तब आप जाके ऐसा लिखना, उसके आगे आप जो है डैश करके लिख दें तो वो अच्छा लगेगा। मैंने तो आपको तीन चार नाम बता दिया है, आप अपने हिसाब से आंसर को थोड़ा ढंग से रिप्रेजेंट करिएगा, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे वो एक उचित आंसर होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़िए दूसरा। शिक्षा में प्रेरणा के सिद्धांत से क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नाम से ही जाहिर है कि हम चीज़ें समझ रहे हैं। शिक्षण जो हो रहा है इसमें प्रेरणा के सिद्धांत का क्या है? आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मानव स्वभाव है, ये एक मानव का स्वभाव है, नेचर है। प्रशंसा से खुश, जो प्रशंसा है उससे हमें खुशी मिलती है, आलोचना से हम मायूस होते हैं। अगर कोई निंदा करता है, आलोचनाएँ करता है, घृणा करता है तो हम मायूस हो जाते हैं कभी ना कभी। प्रशंसा पाकर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं या मेहनत करने की ठान, जब हमको खूब प्रेज मिलती है, हमें वाह बेटा, गुड, के पटअप, शाबाश, चालनी, ये चालनी, वो मुझे भी मिलती है, प्रेजेस मिलती हैं, बिल्कुल मिलती है, तभी तो इतने आगे धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि बढ़ूँ, धीरे धीरे कुछ नया सीखूँ। आपको भी इसलिए बोलती हूँ कि गोल अपना प्लान भी बना कर चलो, कुछ ना कुछ देखते रहो, तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जब हम उसमें सफल हो जाते हैं तो प्रशंसा और शाबाशी मनोविज्ञान में भाषा में प्रेरणा कहलाते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में हम इसको जो है प्रेरणा का नाम दे दिए हैं। एक प्रकार से ये प्रशंसा और शाबाशी है जो हमें थपती मिलती है कि गुड बेटा गुड। तो ये आपके लिए ऐसे सिद्धांत, इसका एक सिद्धांत बन गया, क्योंकि इससे अगर हमें वो चीज़ है तो हम प्रॉपर तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं और चीज़ें आसानी से हो जाती हैं और हमारा काम करना ईजी हो जाता है। और ये छोटे बच्चों के स्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप उनको जितना प्रेस करेंगे वो ना खुश हो जाए। देखिए वो अगर थोड़ा सा गिरता भी है लेकिन को उठ जाओ बेटा उठ जाओ, देखो वो गिर के भी हंसने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है? आगे बढ़िए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपसे पूछा गया है कि शिक्षण की दो विशेषताएं बताइए। शिक्षण की कोई भी दो विशेषताएं, तीन विशेषताएं आपसे पूछने को आ सकती है, आप बता सकते हैं।
शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषय का ज्ञान सीखते हैं। जी हाँ, हम इसके थ्रू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के थ्रू नॉलेज को एक्वायर करते हैं। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक छोटे से बच्चे का पूरा होल डेवलपमेंट हो जाए, तो उसको शिक्षण की बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उसके लिए, क्योंकि उसको हर छोटी से बड़ी बात सिखाई जाएगी और हर चीज़ बताई जाएगी अपने स्तर के हिसाब से। शिक्षण ही वह माध्यम है जिसके जरिए शिक्षार्थी को विभिन्न विषय की जानकारी, यही एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा बच्चे को जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें तभी आपको जानकारी में अपडेट रहती है, तभी आप इन काम को सुचारू रूप से अच्छा प्रदर्शन कर पाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आवाज़ आपको खटपट की बराबर आएगी, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है और आपको ये थोड़ा सा मैनेज करना होगा। एग्ज़ाम है आपका, तो मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से किसी तेज़ बोलने का भी प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, आगे चलिए। अब दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं ना रोज़ रोज़ के लिए। संप्रेषण से क्या आशय है, संप्रेषण क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं ये बताइए। तो किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना संप्रेषण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको संप्रेषण की छोटी सी परिभाषा है जो कि एक नंबर की, और आप बढ़िया लिख के अच्छा नंबर ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। अगर मैंने सच में किया है, मैथ बस निकाल ले जाओ, मैथ में दिक्कत ना करो, बस बाकी फिर कोई टेंशन नहीं होगी। आपको मैंने इतना पढ़ाया है, सारी बातें इतनी बताई, इतने छोटे छोटे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताए ना कि आप इतना बढ़िया लिख के आओगे कुछ कहने नहीं, लेकिन पूरा पेपर करके आना, छोड़ के मत आना। ठीक है, फिर देखना 90% ले ही आना है। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। पांचवा देखो क्या है, यहाँ पर है सहगामी शिक्षण की दो उपयोगिताएं। सहगामी जो शिक्षण है उसकी दो उपयोगिताएं बताइए, महत्व बताइए, उद्देश्य बताइए। ऐसे अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इजी। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतिकरण, आपकी जो मूल प्रवृत्तियां का मतलब देते चाह, इच्छा, अंदर की भूख। प्रवृत्तियों का मतलब इंस्टिंक्ट होता है, जिसको मैकडूगल साहब ने कहा, मैं बताऊंगी टेट की पढ़ाई के दौरान 14 होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों का मतलब जैसे कि एक डिज़ायर, आप डिज़र्व करना, दूसरी चीज़ डिज़ायर होना, आपको ये भूख है, इच्छा है। जैसे आप लोग चाहते हैं 90% आ जाए, आप प्राइमरी नौकरी पा जाएँ, आप भी कमाने लगे, खुद खुद का खर्चा उठाएं, काम करें, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो वो मार्गांतिकरण का शोधन और आपको रास्ता मिलना, ये सहगामी शिक्षण की सहायता से आपको बहुत हेल्प मिलती है और आप आगे बढ़ते हो, अग्रसर रहते हो। सामाजिक भावना का विकास, क्योंकि सहगामी में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब अलग अलग दिमाग रहेगा तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियाज़ निकलेंगे। नागरिकता की समझ, शिक्षण नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती है। नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप का मतलब वो नहीं उसका नागरिकता नहीं, मतलब एक नागरिक होने के नाते क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको समझनी चाहिए। अवकाश के समय का सदुपयोग करना, खाली टाइम को कैसे आप व्यस्त से व्यस्त यूटिलाइज कर सकते हो, ये बात इसमें शिक्षण में सहगामी शिक्षण में साथ में करने में जो आनंद है वो अकेले करने में नहीं आता है, तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अभी देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत नहीं बताऊंगी, जैसे कोई काम अकेले कर रहा है, ठीक है, जैसे सपोज कर लो घर का ही कोई काम अकेले कर रहा है, तो अभी उसको करने में बहुत बुरी लगेगी, कुछ चीज चिल्लाएगा, और उसी का कोई और साथ में खड़ा होकर बतियाता रहेगा तो आराम से कर लेता है, होता है कि नहीं। तो वो चीज़ें हैं, तो ये सहगामी शिक्षण कुछ चीज़ें देखिए, अगर साथ में सब पढ़ना है तो मन होता है कि नहीं लाओ हम भी करते हैं। आगे बढ़ो, देखते हैं सिक्स्थ, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय, पुनर्बलन क्या होता है। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सीरीज से आपके बड़े वाले जो प्रश्न लघुतरी वो नहीं क्यों नहीं करा थे, क्योंकि उसकी भाषा हमें भी समझ में नहीं आती और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, अति लघुतरी और बहुविकल्पी ही देख लिया करती थी और बाकी सेज अपने हिसाब से बना के गूगल सर्च करके ऐसे ही लिखा करती थी, ऐसे ही पेपर लिखा था। तो ये सारे प्रश्न उसमें भी दिए हुए, लेकिन उनके कुछ कुछ के आंसर उनके भी अच्छे, ऐसा नहीं कि सब खराब है, उनके भी कुछ कुछ अच्छे हैं, कुछ कुछ नहीं भी अच्छे हैं। तो आपको जो भाषा अच्छी लगे, जो भाषा सरल लगे, वही भाषा का वहाँ पर प्रयोग कर लेना। अब जैसे पूछा जा रहा है कि पुनर्बलन से क्या व्यापार, पुनर्बलन क्या होता है, तो क्या बताओगे आप। तो शिक्षक कक्षा में शिक्षण देने के साथ साथ अनेक क्रियाएं, टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, जैसे बालक की इच्छा व्यवहार का प्रदर्शन करना है कि शिक्षक उसे शाब्दिक स्वीकृति प्रदान करके मतलब क्या है कि पुनर्बलन कौशल में टीचर बच्चे की जो इच्छा होती है उसके हिसाब से उनको प्रेज करता है, उनको शायद कुछ मुंह से बोलकर या कुछ गिफ्ट प्रेज देकर, प्राइज बनी देकर या प्राइज बनी कुछ रखकर उनको जो है रेनफोर्समेंट करता है कि नहीं, वो जब फोर्सफुली कोई चीज़ होती है आपके साथ पुनर्बलन रहेगा तो आप उसको कम समय में करोगे, इससे बालक की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है, इससे हमें बढ़ावा मिलता है। जैसे कहते थे कि बूस्टर डोज दे दो, जैसे किसी का बीपी कम होता है, जो थक जाओ तो होता है कि लाओ कुछ मीठा पी लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको इस तरीके से कौशल आपके
पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको चाहे बच्चे को बेटा गुड शाबाश बहुत अच्छे या उसे पेंसिल दे दो, चॉकलेट दे दो या बॉक्स वॉक्स गिफ्ट कर दो, समथिंग समिंग तरीके जैसे आप उसको पुनर्बलित कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय। प्रकृति आप जानते हैं, अनुसरण आप जानते हैं, शिक्षण सूत्र आप जानते हैं। ये पेपर टू है आपका, 50 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आपको आएगा और दोनों ऑब्जेक्टिव और लिखने वाले दोनों अंकल। मेरे पास कमेंट बॉक्स में इतना पूछा गया है तो डेयर बता देती हूँ, लिखने वाले भी पेपर क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे लिखना भी पड़ेगा और टिक करने के लिए भी 15 रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र क्या होता है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। बालक की जो शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई उसके नेचर के हिसाब से होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी एज का, मानसिक स्तर का, क्षमता का, रुचि का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी एज क्या है, उनकी मानसिक क्षमता क्या है, कैसे वो सीख सकते हैं, कितना में सिखाना है, किस विषय में उनको सिखाना है, किस में उनको जानकारी है, किस में जानकारी नहीं है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको उनको सीखने में मदद कर सकती हैं और आप उनकी प्रकृति के अनुसार उनको सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया चलो फटाफट क्लास को लाइक करो, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए फटाफट करिए, फिर देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुकक्षा शिक्षण की 2 समस्याएं बताओ। बहुकक्षा शिक्षण जब होता है तो 2 समस्याएं जो आती हैं वो कोई लिखनी है। तो आप बोल सकते हो कि बहुकक्षा शिक्षण में अध्यापक सभी विषय को ध्यान नहीं देते। जी हाँ, सही बात है कि सारे सब्जेक्ट को फिर अच्छे से फोकस होके नहीं देख पाते हैं और इसमें डिसिप्लिन भी नहीं मेंटेन होती, बहुत आवाज़ होती, बहुत शोरगुल होता है, बच्चे परेशान बहुत करते हैं और अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर और टीचर को जो है मॉनिटर जो होता है उस पर डिपेंड होना पड़ता है। एकल अध्यापक विद्यालय में अध्यापक के आकस्मिक अवकाश पर जाने पर जैसे छुट्टी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे टीचर एब्सेंट रहता है तो गेम पीरियड कह दिया जाता है कि चलो आज गेम ही हो जाता है क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं। सडनली ऐसा होता है कभी कभी कि 2-3-4 टीचर भी एबसेंट हो जाते हैं तो उस दिन फिर गेम पीरियड हो जाता है या फिर हाफ डे हो जाता है। ठीक है, हाफ डे होता था तो बड़ी खुशी होती थी ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th में उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखे। उपचारात्मक शिक्षण के कोई भी 2 उद्देश्य आपको बताने हैं, 2 उद्देश्य 3 उद्देश्य। देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सिंपल सा छोटा छोटा ही आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा। बड़ा स्टार्टिंग में जो बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है ताकि आप छोटा आसानी से कर पाओ। ठीक है, अब जैसे उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य बताने हैं तो आप क्या बताएंगे, तो शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर बनाना, शिक्षार्थी बच्चे जो सीख रहे हैं ना उनको अच्छा बनाना, उनको बेहतर बनाना, नए तरीके से सिखाने का प्रयास करना, कुछ नया बताना, कुछ नया सिखाना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई को पहचान कर उनका निदान करना, भाषा प्रयोग में जो दिक्कतें आ रही हैं, नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, उनको पहले जानो, फिर उनके बाद जो है उनका सोल्यूशन दो उनको ना, क्योंकि आप टीचर हो, उपचार करने बैठे हो। और समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना, जो सही डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ले जाना और उसी में मिलकर काम करवाना कि ये रास्ता रही है, इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा काम अच्छे से होगा, क्योंकि काम होना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, तो उसका एक छोटा सा आंसर आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा तरीका है, प्रोसेस है, विधि है, जिसमें हमें निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सिखाया जाए। एक हर चीज़ की एक एज होती है, आपको जितना 10th में पढ़ना होता है 10th में पढ़ेंगे, जितना आपको 12th पढ़ना होता है 12th में पढ़ेंगे। तो वही है कि बच्चे का एक निश्चित स्तर होता है कि हमको उसको कम से कम कितना बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस आयु में कितना बताना है। तो न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता, स्तर की आवश्यकता अधिगम की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। ये स्तर क्यों इसीलिए बनाया गया है कि आप अधिगम जो बच्चों को दिला रहे हो, करा रहे हो, तो वो कितने सक्षम हैं और उनको इतनी एज में कितना जानना चाहिए, इन सारी चीज़ों की एक नापना, एक मात्रक के रूप में हम इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट, देखिए बहुत आवाज़ हो रही है लेकिन मैं छोटी क्लास भी करूँगी ताकि मैनेज कर पाऊँ। आप वैसे भी देख रहे हैं बहुत डिस्टर्बेंस, सारा दिन लगी रहती है। शिक्षण में दृढ़ सामग्री के 2 कार्य बताने, जैसे शिक्षण है तो आपको सुनने और देखने वाले के सामग्री के 2 कार्य। तो पहला है कि बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, आपको बच्चों के मन में इंटरेस्ट लाने के लिए आप ऐसे दिखाने वाले काम करते हो, और तथ्यात्मक सूचना को रोचक ढंग से प्रदर्शित करना। आप अगर देखो जैसे कथा होती है, राम कथा भागवत कथा होती है, तो सारे वक्ता अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात सच है कि सारे राम कथा के वक्ता जो होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, महाराज जो भी होते हैं, वो सारे लोग अच्छे वक्ता नहीं होते, बहुत कम ही लोग होते हैं जो वक्ता अच्छे होते हैं। फिर सुनने के बाद
मतलब अच्छा ही लगता है। तो अगर आप रोचक ढंग से प्रॉपर तरीके से बोलोगे, समझाओगे, बच्चे सीखेंगे तो वो आपका एक अच्छा होगा। और आप उनको कोई चीज़ दिखा दोगे वही सेम चीज़, तो उनका मन लग जाएगा, वो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों उनके कार्य हैं। एक और यहाँ पर है, सीखने में रुकने की गति में सुधार होता है। जो गति एक प्रकार से रुक जाती, बच्चे नहीं सीखते, पठार आ जाता है कहीं ना कहीं, वो भी पठार दूर होने लगता है और बच्चा सीखने में फिर जुड़ जाता है। नेक्स्ट आइए, गणित किट के चार उपकरण को, ये भी आपके पेपरों में आता है, कई कई बनाने को भी मिलता है स्कूल में। तो जैसे पिन बोर्ड हो गया, खूंटी बोर्ड हो गया, ज्यामिति का बॉक्स हो गया, अबेकस हो गया, विशेषता ब्लॉक, दशमलव, अबेकस वो आ गया, कई सारे होते हैं, क्यूब्स हो गए, सर्किल हो गए, संख्या रेखा हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके गणित के किट के उपकरण में आती हैं। आगे बढ़िए, अनुभूति से युक्त की। फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगी, ये 2020 और 19 का पेपर है, आप सीरीज में देख रहे हैं, मिला के उसी के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और नया नहीं बनाया है, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अनुभूति से युक्त की ओर शिक्षण सूत्र से क्या मतलब है, आपके शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आपको बनता है। तो अनुभूत ज्ञान का वह होता है, ज्ञान का ऐसा स्रोत होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण और अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है। ये सारी चीज़ें हमको तब होती है जब हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उसके इस अपूर्ण और अनिश्चित ज्ञान को हम वास्तविक रूप से स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। तर्क रूप बनाना हमको चाहिए, उसमें तर्क वितर्क करना चाहिए ताकि आप उसमें और एकदम क्लियर हो पाओ। अल्पायु के बालकों में तर्क विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें इतना तर्क विचार की क्षमता कम होती है क्योंकि वो छोटे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक संप्रेषण के दो गुण बताइए। सामूहिक संप्रेषण व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, तो कोई दो गुण बताना है। तो सामूहिक का मतलब क्या होता है कि विधि सरल और सस्ती हो जाती है क्योंकि एक साथ में सबको बोल दो। यह विधि छात्रों के व्यवहार को कुशल बनाती है। व्यवहार से क्या होता है कि हम चार पांच लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सीखते हैं कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसको क्या खराब लगे, इसके आकलन करना, लोगों के माइंड सेट को पढ़ना है। विद्यार्थी इस विधि के द्वारा शिक्षा देने की बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना, चिंतन शक्ति का विकास होता है। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जिससे उनका ये पावर डेवलपमेंट होता है। यह विधि छात्रों के नेतृत्व के गुणों का विकास, लीडरशिप भी इसमें कुछ लोग होते थे, होता था कि सबकी किसी की बात होता है कि सारे बच्चे मानते हैं, कोई होता है ना, तो उसी तरीके से सामूहिक संप्रेषण में ये सारे लाभ आप ले सकते हैं। आगे बढ़िए, आज का लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है, ये 15वां क्वेश्चन है। 15 का मैं सेट आपके साथ हमेशा से बनाती आई हूँ, इस साथ बहुत सारी चीज़ें करवानी है, जो भी चीज़ें हैं रिवीजन करना है हमें। तो गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता क्या होती है ये जानते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा छात्र अपना मूल्यांकन अधिक आसान बना देता है। जब हम एक्टिविटी के थ्रू करते हैं ना, तो मूल्यांकन करना काफ़ी ईजी हो जाता है, बच्चे के लिए भी, टीचर के लिए भी। इससे छात्र अध्यापक दोनों मिलकर गतिविधि करते हैं। एक्टिविटी जब होती रहती है तो टीचर भी इन्वॉल्व होता है, बच्चा तो करता है, टीचर उसको गाइड करता है। तो इसमें एक्टिविटी, क्रियात्मक, एक्टिव होना, सजगता बनी रहती है, सरसता बनी रहती है, वातावरण अच्छा रहता है और बच्चा जो है ऊब नहीं लगती है और मन लगाकर वो काम करते हैं। तो हम जब कभी भी, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट, अगर हम एक्टिविटी के थ्रू कोई चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है और हम आसानी से कर ले जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। मैंने 15 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से लिए थे। ये आपको शिक्षण अधिगम है, पेपर 2 है, 50 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आपको आएगा, 15 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, 25 आपको पासिंग लाना होगा, 24 आप लाएंगे तो बैक लग जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लास हो गई है। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन अच्छा था, पेपर से ही था। कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेगी अलग टॉपिक पे, जैसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।